हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरीन और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल में अमरीन्स किचन एंड व्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इसे आप रमज़ान में अपने घर में ट्राई कीजिए, इफ्तार में बनाइए, आपके बच्चे से बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली रमज़ान और बरसात के टाइम में बनाए जाने वाले ये पकौड़े हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप अपने घर पर ट्राई कीजिए। मैंने ले लिया है 2 कप बेसन और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, 8 से 10 हरी मिर्चें, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया और मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इस बाउल में ऐड कर लेंगे बेसन के साथ। और इसमें मैंने जो मसाले लिए हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, इन सभी को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है। और स्वाद के अनुसार आप नमक ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक का यूज़ किया है। इसे मिक्स करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए इसे मिक्स करते टाइम कोई भी बेसन साइड में ना रह जाए, अच्छे से इसको मिक्स करना है। कि फ्रेंड्स, मेरा पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब हम अपना ऑयल चेक कर लेंगे जो मैंने कढ़ाई पे पहले ही हॉट करने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए, इसको हम हाथ से इस तरह से चेक कर लेंगे। इसमें हमें अच्छी हीट आनी चाहिए और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे और एक एक करके इसमें आलू प्याज के पकोड़े इस तरह डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी रमज़ान में ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएंगी। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। बरसात के टाइम में भी आप इसे बना सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे पकोड़े ऐड कर दिए हैं और थोड़ा बैटर बचा हुआ है जिसे मैं बाद में ऐड करूँगी। 1 साइड से सेकने के बाद हम पकौड़ों को पलट देंगे। 2-3 मिनट एक साइड हम सेकेंगे फिर हम इन्हें पलट देंगे। दूसरी साइड से भी 3-4 मिनट सेकने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि पकोड़े एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं, जल ना जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, पकोड़ों का एक्स्ट्रा ऑयल सब हम निकाल देंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से उसे निकाल लेंगे। ये सारे पकौड़े मैंने निकाले, इसी तरह से अगला बैच में इसमें ऐड करूँगी और फिर से इसे 2-3 मिनट सेकूंगी एक साइड से और फिर अगली साइड से 2-3 मिनट के लिए सेकूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ इसलिए किया है ताकि इससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बने और लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी रहे। और फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट सिकने के बाद हम इन पकोड़ों को पलट देंगे और फिर से यहाँ पे 4 से 5 मिनट हम इसको सेक लेंगे। अच्छे से बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। ये देखिए, ये हमारे पकोड़े रेडी हैं एकदम निकालने के लिए और सेम प्लेट में हम इनको फिर से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और सारे पकोड़े अच्छे से तेल उनका गिरा कर और निकाल लेंगे। और ये हमारे क्रिस्पी आलू प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हैं। देखिए, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। और आप इनको ज़रूर से अपने घर पे ट्राई कीजिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान में आप इनको ट्राई कीजिए। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।